वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI का फीटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कारपेंटर ट्रेड का स्टूडेंट लिए 2019 साल में, इसका एग्जामिनेशन फाइनली 2022 साल का अप्रैल महीने में कंप्लीटेड हो गया है। सभी स्टूडेंट इसका फाइनल रिजल्ट पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और कट ऑफ कितना जाएगा इसका ऊपर वीडियो बनाने के लिए बहुत बार सभी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली आज मैं इसका कट ऑफ का बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। 3 ट्रेड का पेपर मैं देख पाया हूँ, वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फीटर ट्रेड का, तो इन तीनों ट्रेड का मैं कट ऑफ डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों का क्या रह सकता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट था। फीटर में 6 पोस्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 सीट था और वेल्डर में 4 सीट था। तो इसका कट ऑफ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कट ऑफ डिस्कशन करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से, और स्टडी वीडियोस फ्री नोट्स भी मेरा चैनल से आप लोगों को मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया था तो आज कट ऑफ मैं बना के लाया हूँ। फीटर ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं अनडिजर्व कैटेगरी में 3 सीट था, OBC कैटेगरी में 2 और SC कैटेगरी में 1 सीट था। इसके लिए आप लोग को 4 से 5 मल्टीपल कैंडिडेट को बुला सकते हैं, मतलब अनडिजर्व में 12 से 15 कैंडिडेट को, OBC में 8 से 10 और SC में 4 से 5 कैंडिडेट को बुला सकते हैं। अनडिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जा सकता है 156 से 158। जब भी मैं कट ऑफ बनाता हूँ आप लोगों को मैं बताता हूँ प्लस माइनस 2 आप लोगों को करना पड़ेगा, और ये जो कट ऑफ जाएगा 174 में से जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन को रिमूव किया गया था। 2 क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, 1-1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन का 6 मार्क्स होता है, तो 180 से 6 मार्क्स को डिडक्ट करेंगे तो 174 होता है। तो कट ऑफ आप लोगों का जाएगा 174 में से 156 से 158। इसका बाद प्लस माइनस 2 हो सकता है, मतलब 156 से माइनस 2 हो सकता है, 158 से प्लस 2 भी हो सकता है। तो जितना भी कट ऑफ मैं डिस्कशन करूँगा सभी के साथ आपको प्लस माइनस 2 करना पड़ेगा। OBC में 155 से 154 से 156 और SC में 148 से 150 तक आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप लोगों को टोटल 2 सीट था, अनडिजर्व में 1 और EWS में 1, तो इसमें से आपको 4 या 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 2 कैटेगरी में। तो अनडिजर्व का कट ऑफ जा सकता है 150 से 152 और EWS में कट ऑफ जा सकता है 130 से 134। इसका भी कट ऑफ 174 में से जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन रिमूव किया गया है रिवाइज आंसर की में, ठीक है? और लास्ट जो आप लोगों का ट्रेड था वेल्डर ट्रेड का, जिसका पेपर मैं देखा हूँ, तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन को रिमूव किया 174 में से अगर कट ऑफ बनेगा। तो अनडिजर्व में 2 सीट था, इसमें 8 से 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। OBC में 1 सीट था, 4 से 5 कैंडिडेट को, और SC में 1 सीट के लिए 4 से 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। अनडिजर्व में कट ऑफ जा सकते 134 से 136, OBC में 130 से 132 और SC में 122 से 124 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। तो यही 3 ट्रेड का मैं कट ऑफ आज बना के आप लोगों के सामने लेके आया था। कारपेंटर का पेपर मैं अभी तक देखा नहीं, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया, ठीक है? तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।